हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, टॉपिक हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हाइड्रोलिक टरबाइन होता क्या है? हाइड्रोलिक आप नाम से समझ सकते हो, हाइड्रोलिक मतलब वाटर, ठीक है। वाटर से चलने वाली जो टरबाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं, ठीक है। जो टरबाइन वाटर से चलती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। अब टरबाइन क्या होती है, टरबाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टरबाइन बेसिकली क्या होती है, एक रोटर होता है, रोटर में ब्लेड्स लगे होते हैं, रोटर होता है, ब्लेड्स लगे होते हैं उनमें। इनमें क्या होता है, जैसे कि वाटर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, उन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप कोई रोटर ले लो, ठीक है, तो उसमें अगर बहुत सारी ब्लेड लगी हैं, अगर उनमें आप वाटर का प्रेशर अप्लाई करो, वाटर अगर आप अप्लाई करो, तो वो क्या करेगा, वो रोटेट होने लगेगा, वो ब्लेड्स घूमने लगेंगे। क्यों? क्योंकि रोटर के ऊपर वो वेन्स लगी हुई हैं, वो ब्लेड्स रोटर के ऊपर हैं। तो क्या होगा, वो गोल गोल घूमने लगेगा, और घूमने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एक एनर्जी डेवलप होगी, एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है। उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, उस मैकेनिकल एनर्जी जो आउटपुट हमें मिल रहा है, उसको हम आगे जनरेटर से कनेक्ट करके हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक जो एक आइडिया है हाइड्रोलिक टरबाइन का, वो अभी हमने देख लिया है। तो एक बात कर लेते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन का बेसिकली मतलब क्या है, कि ये एक तरीके की ऐसी टरबाइन है या एक ऐसा इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, जो चेंज करती है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। किसको चेंज करती है? हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यही आउटपुट होता है। ये क्या होता है? आउटपुट होता है। आगे हम क्या करते हैं, इस मैकेनिकल एनर्जी को आप चाहो तो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो मेथड है, ये बेसिकली जो मेथड है, वो बहुत ही चीप प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही सस्ता प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे डैम्स होते हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, वहाँ पे क्या होगा, हमें ऑयल या कोई भी अलग तरीके का फ्यूल नहीं यूज़ करना होगा टरबाइन को रन कराने के लिए, ठीक है। टरबाइन को रन कराने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, पानी चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और फिर मैकेनिकल एनर्जी और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब देख लेते हैं इसको, जब अगर हाइड्रोलिक टर्बाइन अगर हमें कहीं लगाना है, तो उसके लिए बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, कि आपको आपके पास एक डैम, या आप कह सकते हो कि वाटर का एक अच्छा खासा रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक रिवर चाहिए, रिवर आप कह सकते हो, रिवर, रिवर पे डैम जो बना होता है, डैम में हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। एक डैम होना चाहिए, और उस डैम से क्या होता है, ये मान लेते हैं ये अगर कोई डैम है, ठीक है, ये क्या है, डैम है, और इधर पानी का लेवल है, ये क्या है, इधर वाटर है, ये वाटर है। अब क्या होगा, अब हमारे पास पानी हो गया, ठीक है, बांध हमने बना लिया, डैम बना लिया, पानी हमारे हमने क्या किया, वाटर को इकट्ठा कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, पानी तो हमारे पास हो गया, अब वाटर जब हमने इकट्ठा कर लिया, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इस पानी को हम कैसे पहुंचाएंगे आगे, किस तरीके से आगे प्रोसेस होने वाला है, ये चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस डैम से वाटर को ले जाने के लिए एक हम पाइप को यूज़ करते हैं, पाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, किसकी ज़रूरत होती है, पाइप की ज़रूरत होती है। और पाइप बेसिकली किस चीज़ की होती है, पाइप को हम या सबसे पहले ये देख लेते हैं, पाइप को हम पेन स्टॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेन स्टॉक कहते हैं। और पाइप किस चीज़ की बनी होती है, या तो ये स्टील की बनी होगी, या तो कॉन्क्रीट की, या तो क्या होगी, ये स्टील की या फिर कॉन्क्रीट की बनी होती है, राइट, स्टील की या फिर कॉन्क्रीट की बनी होती है। और पाइप को हम क्या कहते हैं, पेन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या होता है, पेन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये तो बात हो गई किसकी, डैम की बात हो गई, और उसके बाद हमने क्या देख लिया कि पाइप और पेनस्टॉक की ज़रूरत होती है। अब ये पानी अब क्या होगा, यहाँ से ये जो लिक्विड होगा, ये वाटर जो होगा, इससे बहुत हाई प्रेशर के साथ इस पाइप में जाएगा। बहुत मोटी पाइप होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये पौधों को पानी जो हम देते हैं वो पतली वाली पाइप, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। काफ़ी मोटी पाइप होती है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो मोटी पाइप होती है, वहाँ पर जब पानी का जो फ्लो होगा वो बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, और जब ये फ्लो क्या होगा, ये इतनी तेजी से फ्लो होता है, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है इसका। क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक रोटर होता है, रोटर आप कह सकते हो, या फिर ये टरबाइन का इंस्टॉलमेंट हम वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ब्लेड्स लगी होती हैं, टरबाइन की ब्लेड्स लगी होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ब्लेड्स लगी होती हैं। होता क्या है, ये वाटर जेट इन पे आके स्ट्राइक करते हैं, इन ब्लेड्स पे, ठीक है। जब इन ब्लेड्स पे ये वाटर जब आएगा, ये स्ट्राइक करेगा, तो ये ब्लेड क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करने लगेगा, और ये रोटेशन जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना अच्छा रोटेशन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने अच्छे तरीके से क्या होगा, रोटेट करेगा। बहुत रोटेशनल जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। उसके बाद क्या होगा, जब ये रोटेट होगा, रोटेट करने के बाद यहाँ से हमें क्या होगा, हम इसको किसी न किसी जनरेटर के साथ अटैच करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। तो ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक टरबाइन का, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि डैम से हमने पानी, डैम में क्या किया, हमने पानी इकट्ठा किया, पानी कहाँ गया, वहाँ पे जो वेन्स हैं, जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स पे स्ट्राइक कर रही हैं, उसके बाद ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो रही है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं किसी जनरेटर से, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जा रही है। तो ये हमने बात कर ली हाइड्रोलिक टर्बाइन की, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। आई होप आपको समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया है, या क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट किया गया है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।